सितंबर माह में शुरू होते ही मुहर्रम और गणेश पूजन का उत्सव शुरू हो जाएगा। चांद का दीदार होते ही 2 तारीख से मुहर्रम और गणेश चतुर्थी के साथ गणेश पूजा का आगाज होगा। दोनों पर्व लगभग 10 दिनों के होते हैं। इस त्योहारों को मुस्लिम और हिंदू वर्ग के लोग बड़े ही धूमधाम से गाजे बाजे के साथ मनाते हैं, लेकिन इस बार त्यौहार में उच्चतम न्यायालय ने डीजे बजाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। इसी के साथ शादी समारोह या अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में डीजे प्रतिबंधित रहेगा। इसके बाद जो भी ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाए जाएंगे उसके लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ेगी। जिसके संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SPCT डॉक्टर कौस्तुम ने कहा कि न्यायालय के आदेश से ही किसी भी समारोह में डीजे बजाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर किसी के द्वारा बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग किया गया तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SPCT डॉक्टर कौस्तुम ने कहा, सर त्यौहार का दिन है, जो त्यौहार एक ही साथ में गणेश पूजा और इसके बावजूद भी कुछ ही दिनों में इस तरह शादी समारोह में भी डीजे बजाया जाता है। इस त्यौहारों में और शादी समारोह या अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में डीजे बजाना की अनुमति है? डीजे बजाने की अनुमति नहीं है और ADM साहब के माध्यम से जितने भी परमिशन दिए जा रहे हैं किसी भी प्रोसेशन के लिए उसमें क्लियर कट मेंशन किया जा रहा है कि डीजे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। तो सभी आयोजकों से यह निवेदन है कि वो डीजे का प्रयोग ना करें, और अगर डीजे का प्रयोग करेंगे तो माननीय न्यायालय के आदेशानुसार उन पर कार्रवाई की जाएगी। जो प्रतिबंधित लिमिट है उसके नीचे अपने कंपाउंड में बजाने के जो आदेश हैं उसके अनुरूप ही बजा सकते हैं और किसी प्रकार से नहीं बजा सकते। सभी लोग ADM साहब और प्रशासन और पुलिस के माध्यम से परमिशन अवश्य ले लें। उस परमिशन में जो दिए जा रहे निर्देश हैं उनका अनुपालन अवश्य करें। जो DJ के रिगार्डिंग है, जो लाउडस्पीकर के रिगार्डिंग है, उनका अनुपालन अवश्य करें। इसके बावजूद अगर कोई इसका पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी।